नमस्कार दोस्तों, एक बार दोबारा मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज रावत और आप देख रहे हैं, यह है मारुति विटारा ब्रेजा 2020 का फेसलिफ्ट और क्या क्या चेंजेस हैं अभी इस वीडियो में देखते हैं। और इसमें जो इसका जो फ्रंट प्रोफाइल दिया हुआ है ना, वो काफ़ी बोल्ड और अट्रैक्टिव है। कुछ चेंजेस किए गए हैं तो बताते हैं इसके चेंजेस के बारे में। एलईडी लाइट्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो चेंजेस इसमें किए गए। फ्रंट की जो ग्रिल है वो काफ़ी बोल्ड दी गई है, जिससे ये जो गाड़ी है काफ़ी भारी सी, हैवी सी सामने से लगती है। उसके साथ फॉग लैम्प की एडजस्टमेंट आप देखोगे वो भी काफ़ी अच्छी है, इसमें फाइन है। साइड की अगर मैं बात करूँ तो साइड प्रोफाइल में कोई ख़ास चेंजेस इसमें दिखने को मिलते नहीं है। उसके साथ अगर मैं बैक में बात करूँ इसकी, तो बैक लाइट जो है इसकी चेंज की गई है, स्क्वायर मैट्रिसेस टाइप में दी गई हैं, जो काफ़ी अच्छी लग रही है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो। उसके साथ अगर गाड़ी के मैं अलॉय की बात करूँ तो 16 इंच के डायमंड अलॉय, और अगर अलॉय के डिटेलिंग की बात करूँ तो ये ड्यूअल कलर में आपको मिलते हैं, जो काफ़ी गाड़ी को बोल्ड लुक देते हैं। अलॉय अगर मैं बात करूँ, इसमें 17 इंच भी होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि गाड़ी थोड़ा हैवी है तो उस हिसाब से अलॉय 16 इंच थोड़ा सा छोटे लगते हैं। प्लास्टिक क्वालिटी अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो वो रिमेन्स सेम, और कोई चेंजेस किए नहीं गए हैं। सीटों में भी कोई चेंजेस इसमें किए नहीं गए। और अगर मैं बात करूँ तो ये आती है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन BS6, और इसका जो ऑटोमेटिक ये आपको जो ये ब्लू कलर दिख रहा है स्काई, ये सॉरी नेक्सा ब्लू कलर, ये भी अगर मैं बात करूं इसकी तो इसमें जो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आ रहा है, जिसमें हाइब्रिड दिया गया है, जो गाड़ी की एवरेज काफ़ी अच्छी देता है। और इसका अब मैं आपको दिखाता हूं तीसरा कलर जो यहां लगा हुआ है, ये है ग्रे कलर, जिसमें ऑरेंज सनरूफ दे रखी है, जो इनका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्राइस है अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन मुझे लगता है इसका जो प्राइस होगा वो नेक्सॉन के थोड़ा सा ऊपर होगा, ताकि नेक्सॉन को थोड़ा सा कंपेयर कर सके नेक्सॉन से, क्योंकि और हाइब्रिड जो गाड़ी है वही सिर्फ हाइब्रिड गाड़ी सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलेगी, उसके अलावा आपको मैनुअल में हाइब्रिड सिस्टम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 2020 का फेसलिफ्ट आपको कैसे लगा। पूरी डिटेलिंग गाड़ी की एक बार दोबारा इसका जब रिव्यू करेंगे तो करेंगे इस चैनल पे। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ 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 अपने दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब करवाएं। तो धन्यवाद।